वेज रेसिपीज में आज हम बनाने वाले हैं होममेड मसाला पीनट्स और हमारा होममेड दाबेली मसाला। दाबेली बनाने के लिए हम इन दोनों चीज़ों का यूज़ करते हैं। तो आप देख सकते हो इसके इंग्रेडिएंट्स है ये आखे मसाले और ये पाउडर मसाले। हम पहले आखे मसालों को हल्का सा रोस्ट करेंगे और फिर इसमें सिर्फ हमारे पाउडर मसाला ऐड करेंगे। ये है कोरिएंडर सीड्स 4 टेबलस्पून, जीरा 1 टेबलस्पून, सेसमे 2 टेबलस्पून, फेनल सीड्स 1 टेबलस्पून, लौंग 5, स्टार अनीस 1, शक्कर 2 टेबलस्पून, रेड चिली 3, नटमेग जायफल 1, बड़ी इलायची 3, सिनेमन दालचीनी 1 इंच, ग्रेटेड सूखा खोबरा डेसिकेटेड कोकोनट 2 टेबलस्पून, तेजपत्ता 2, काली मिर्च 1/4 टीस्पून, गरम मसाला 1/4 टीस्पून, कश्मीरी रेड चिली पाउडर 2 टेबलस्पून, जिंजर पाउडर 1 टीस्पून, काला नमक 1 टीस्पून, सफ़ेद नमक 1 टीस्पून, आमचूर पाउडर 1 टेबलस्पून, टैमरिन पल्प और हमारी हल्दी। तो सबसे पहले हम हमारे आखे मसालों को यहाँ पर ड्राई रोस्ट करेंगे जब तक हमारा इसमें एकदम अच्छा सा अरोमा आना शुरू ना हो। लगभग 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर इसमें से अरोमा आना चालू हो जाएगा। क्योंकि हमारे मसाले फ्रेश है तो हमारी दाबेली भी बहुत उमदा बनेगी। तो मैं एक एक करके हमारे आखे मसाले डाल रही हूँ उसमें और इसे चलाएंगे मीडियम फ्लेम पे। हमें हमारे मसालों को जलाना नहीं है, इसलिए ध्यान रखें कि आप हमेशा मीडियम फ्लेम पे इसे ड्राई रोस्ट करें। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप कोरिएंडर सीड्स की जगह पर धनिया पाउडर भी डाल सकते हैं। अगर मैंने ज़ीरा लिया है तो आप इसकी जगह पर जीरा पाउडर भी डाल सकते हो। अगर मैंने लाल मिर्ची ली है तो आप इसकी जगह पर पाउडर लाल मिर्च भी ले सकते हो। अगर मैंने डेसिकेटेड कोकोनट लिया है, ग्रेटेड कोकोनट लिया है, तो आप इसकी जगह पर फ्रेश नारियल भी यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो उसका मॉइस्चर रोस्ट करते हुए निकल जाएगा। आपके घर में जैसे जो अवेलेबल हो आप यूज़ करें। तो लीजिए, मैं एक प्लेट में इसे ट्रांसफ़र कर रही हूँ ठंडा होने तक। ये एकदम क्रिस्पी हो जाएगा ठंडा होने के बाद। तो ये एकदम ठंडा हो गया है। अब हम हमारे पाउडर मसाले इसमें ऐड करेंगे एक एक करके। आप चाहो तो इन मसालों को जब हमारा मसाला गर्म हो तभी भी डाल सकते हो। सारे मसाले ऐड करने के बाद आप इसे अच्छी तरीके से अपने हाथ से मिक्स कर दें। अगर आपसे कोई इंग्रेडिएंट मिक्स हो गया हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसके इंग्रेडिएंट्स को लिस्ट कर दिया है, आप वहाँ जाके देख लें। यहाँ पर आपका आका धनिया जो है वो एकदम क्रिस्पी होना चाहिए, जो आप अपनी उंगलियों के बीच में दबा के उसे चेक कर सकते हो। हमारा धनिया एकदम क्रिस्पी है और एकदम रेडी है मिक्सर में जाने के लिए। आप कोई भी मिक्सर यूज़ कर सकते हो। ये मसाला टैमरिन पल्प के बिना भी बना सकते हो और टैमरिन पल्प के साथ भी बना सकते हो। तो मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि दोनों में क्या डिफरेंस है। हमने हमारे मिक्सर में डाल दिया है हमारा मसाला और इसे हम बगैर टैमरिन पल्प के चलाएंगे। तो लीजिए, हमारा मसाला रेडी है, आप इसका टेक्सचर देख सकते हो। इसके बाद का कंपलसरी स्टेप है, आपको इसे छानना है ताकि जो दरदरे पीसेस है वो आपके मुंह में ना आए। आपको ये कंपलसरी करना ही है। अब मैं आपको बताऊंगी टैमरिन पल्प के साथ इसे कैसे बनाएं। इसमें हम हमारा टैमरिन पल्प ऐड करेंगे और मिक्सर में चलाने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। आप देख सकते हो इसका टेक्सचर थोड़ा अलग हो गया है। मैं इमली के पल्प को हमेशा हमारे गरम मसाले के साथ पीस लेती हूँ, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। आप चाहो तो इसे आलू मसाला में भी डाल सकते हो। आप इमली को पानी में भिगो के रख दीजिए और उसका जूस फिर आप आलू मसाला में डाल दें।
इससे आपको टैमरिंड का सेम रिज़ल्ट मिल जाएगा। अब हम बनाने जाने वाले हैं हमारे मसाला सिंग, जिसे कि दाबेली में बहुत क्रंची फ्लेवर आता है। यह है हाफ कप पीनट्स, सेसमी सीड्स 2 टेबल स्पून, कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर 1 टेबल स्पून, जिंजर पाउडर 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर पाउडर 1/4 टीस्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून, क्यूमिन 1 टेबल स्पून, इलायची 3 लौंग 3, तेजपत्ता 1, नटमैग 1, सिनेमन 1 इंच, काला नमक रॉक सॉल्ट 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, कोरिएंडर पाउडर 1 टेबल स्पून, जिंजर पाउडर 1 टीस्पून, अमचूर पाउडर 1 टीस्पून, हींग 1/4 टीस्पून, शुगर 1 टीस्पून। आप जिंजर पाउडर की जगह पर जिंजर भी यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गए हैं हमारे मसाला पीनट के मसाले। अब हम हमारे पीनट्स को ड्राई रोस्ट करेंगे। इसे आप स्लो या मीडियम फ्लेम पे चलाते रहे, इसे बीच बीच में टॉस करिएगा, आपके पीनट्स बहुत ही क्रंची और क्रिस्पी होंगे। हमारे पीनट्स रोस्ट हो गए हैं, अब हमें इसे ठंडा करने के लिए रखना है। अब पहले की तरह हम हमारे आखे मसालों को ड्राई रोस्ट करेंगे। यहाँ पर हमें ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आखे मसाले बहुत ही कम है। हम एक एक करके हमारे मसालों को इसमें ऐड करेंगे और इसे 1 से 2 मिनट तक चला लेंगे। हमारे पॉपी सीड्स ने बॉप करना चालू कर दिया है। अब हम हमारे पाउडर मसाले एक एक करके ऐड करेंगे इसमें। पाउडर मसाला ऐड करने के वक्त आप भले ही आपकी गैस की फ्लेम बंद कर दीजिए, या अपना आपसे पक जाएंगे गर्माहट से और जलने का भी डर नहीं रहेगा। अब ठंडा होने के बाद हम हमारे मसालों को मिक्सर जार में डाल देंगे और इसे पीस लेंगे। इसके बाद भी हमें इसे छानना है, नहीं तो हमारे मुंह में वो दरदरे पीस आएंगे, जो कि टेस्ट में अच्छा नहीं लगेगा। हमारा मसाला रेडी है, अब हम हमारी पीनट्स को रेडी करेंगे। ये मैं अपने पीनट्स को मसल के इसके छिलके उतार रही हूँ। ये छिलके उतारते वक्त 2 टुकड़े हो जाएंगे। अभी इसके फाइनल टच के लिए मैंने नाक के बराबर इसमें तेल लिया है, ताकि हमारे पीनट्स को मसाला अच्छे से कोट कर ले। आप चाहो तो इसे कोट करने के लिए लेमन भी ले सकते हो तेल की जगह पे। मैंने हाफ कप पीनट के लिए 3 टेबलस्पून मसाला यूज़ किया है। यहाँ पर हमने 1 कप पीनट्स के लिए मसाला बनाया है, तो आधा पीनट आप स्टोर करके फ्रीज़र में रख दे और नेक्स्ट जब भी दाबेली बनाओ आप इसे लेके यूज़ कर ले। लीजिए जी, हमारे मसाला पीनट्स और हमारे दाबेली मसाला एकदम रेडी है दाबेली बनाने के लिए। आप भी जाए बनाए, इंजॉय।